लीजिए चाय आ गई। अब नहीं बेटा, चाय नहीं पीऊंगी। जब दिल ही बोझल हो तो कुछ खाने पीने को दिल ही नहीं चाहता। आफिया तुम जाओ। क्या बात है बहन, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, वैसे तो सब ठीक है। आप जानती हैं कि मैंने अपने बेटे की शादी उसका घर बसाने के लिए की थी, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि सब कुछ ठीक है। पर क्या बात है, आपको दिलनशीन से कोई शिकायत है? अगर है तो मुझे बताइए। नहीं नहीं, वो तो माशाल्लाह बहुत अच्छी, बहुत प्यारी बच्ची है, लेकिन आपको मालूम है कि ज़माना ख़राब है, और यहाँ किसी को किसी का हक मारते वक्त नहीं लगता। पता क्या, मैं आपकी बात ना समझ नहीं पा रही। क्या बताऊँ आपको, अपना ही तन बेपर्दा होता है। देखें, मैं आपसे कहना ये चाह रही हूँ कि आप ज़रा दिल नशीन को समझाएं कि ये दुनिया ऐसी जगह है कि हर कोई किसी दूसरे का हक मारने के दर पे है। ज़रा सा भी मौका कोई हाथ से जाने नहीं देता। मेरे घर की रौनक है आपकी बेटी, और मैं नहीं चाहती कि इस रौनक को किसी हासिद की नज़र लगे। आप प्लीज़ उसे बस ये बात प्यार से समझाएं कि वो अपनी तवज्जो, अपने प्यार का एक हिसार अपने शोहर के गिर्द खींच ले, ताकि वो कहीं भटके नहीं। मर्द को अगर अपनी बीवी से मोहब्बत ना मिले तो वो भटक जाता है। मैं अगर उसे कुछ कहती तो शायद उसे बुरा लग जाता, इसलिए मैंने सोचा कि आप उसे समझाएं। और एक माँ से बढ़कर किसकी बात सुन सकती है बेटी, प्लीज उसे कहें कि अपने शोहर को तवज्जो दे, ख्याल रखे, ताकि कुछ कुछ ऐसा वैसा ना हो।